गुरु का कार्य आपकी आत्मा की रक्षा करना है। अब आप कहोगे कि रक्षा कैसे, जब आत्मा मरती नहीं, जलती नहीं, कटती नहीं, घटती नहीं, बढ़ती नहीं, फिर कैसे संरक्षण दिया जा सकता है? जब आप खोज करोगे तब पता चलेगा आत्मा तो कितनी दूर जा करके अलग होती है। जब ये जीव सूक्ष्म शरीर में होता है, जब सूक्ष्म लोकों में जाता है, आपकी आत्मा को कैसे आसुर पकड़ लेते हैं, कैसे तांत्रिक क्रियाओं द्वारा बांध लिया जाता है, कैसे काबू में कर लिया जाता है, कैसे यम के द्वारा मार गिरी जाती है, कैसे जलाया जाता है, कैसे डुबोया जाता है, एहसास होगा। कुछ लोग जो शरीर छोड़ करके गए, दोबारा से शरीर में आए, उन्हें एहसास है कि कहाँ गए, कैसे गए। मैंने बात की ऐसे लोगों से, उन्होंने बताया क्या दिखाई दिया, कैसे दिखाई दिया, क्या होता है। मैं तो हर रोज ध्यान में भी इस प्रकार की चीजें देखता हूँ, जीवों को छटपटाते हुए देखता हूँ। कभी कभी उस ओर दृष्टि पड़ती है तो देखता हूँ क्या हालत होती है जीव की बिना ज्ञान के, क्या हालत होती है बिना समर्थ गुरु के। कौन छुड़ाए बंद से, कौन तोड़े उस जाल को, कौन बचाए उस आत्मा को। शरीर छूटा, किसी ने काबू में कर लिया, कौन बचाएगा? न घरवाला कोई, न संगी साथी, न जहाँ थे वो समर्थ, न उसको कुछ दिखाई देता। मुझे बड़ा अजीब लगता है कई बार कि कुछ लोग ऐसे लोगों से जुड़े हुए और वहाँ गुरु शब्द का प्रयोग करते हैं, फोन मिला के कि गुरु जी एक बार झाड़ा लगाना, और वो लोग फटाफट फटाफट 5-7 मंत्र फेंक देते हैं एकदम से, और वो हाँ बस हो गया। मैं सोचता हूँ कैसे कल्याण होगा उन लोगों का, कैसे उनका उद्धार होगा जिन्होंने राम नाम की ताकत नहीं पहचानी, जिन्होंने उस परम तत्व को नहीं पहचाना, जिन्होंने उस सारी पृथ्वी सब ब्रह्मांडों के मालिक को नहीं पहचाना, जिन्होंने उस रचयिता जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी रचने वाला है उस तत्व को नहीं पहचाना, जिन्होंने आपके अंदर विराजमान उस परमेश्वर को नहीं पहचाना, कैसे कल्याण की संभावना है? आपके तो आसपास भी कल्याण नहीं होगा, न इससे कष्ट मिटेंगे, क्योंकि वो अलग तरीका होता है। कैसा तरीका होता है वो? क्योंकि जो आपके ऊपर कष्ट आते हैं वो पिछले जन्म के कर्मों के प्रभाव के कारण से आते हैं, और जब तक वो कर्म कमजोर नहीं होगा तब तक आपका वो कष्ट नहीं कट सकता। चाहे आप डॉक्टर के पास जाओ, चाहे तांत्रिकों के पास जाओ, चाहे इधर उधर घूमो, चाहे आप अपने ऊपर से कुछ घुमाओ, कुछ भी कैसे भी करो, मैं देखता हूं कुछ लोग अपने ऊपर से ऐसे घुमाते हैं सिर के ऊपर से, और चौराहे के ऊपर कुछ रख देते हैं। मैं सोचता हूँ अरे ये क्या चल रहा है आजकल, बड़ा खेल चल रहा है भ्रमित करने के लिए, बहुत खतरनाक खेल है ये। जो इस जाल में फंस गया, मछली समझती है जो कांटे के अंदर लगा हुआ है टुकड़ा भोजन का कि मैं इसको खा जाऊंगी, लेकिन शिकारी जानता है कि ये मैंने इस मछली के लिए फेंका है,
और जो ही इन्होंने मुंह खोला निकाल लाएगा जल के अंदर से, वही खेल यहां है कि ये जानते हैं कि हमने ये काटा फेंक दिया है और जो संसार के अंदर चल रहा है उसमें से कुछ तो आएंगे ही निकल करके और फिर वो मर जाएंगे। न कोई रास्ता होगा, अंधेरा कुआ है ये तंत्र का खेल, यहां से निकलने का रास्ता नहीं होता। लेकिन जो ब्रह्म का खेल है वो रोशनी से भरा हुआ है, जो उस परम का खेल है वो उस परमात्मा के मार्ग पर चलाने वाला है, जो उस अनंत का खेल है वो उस तक ले जाने वाला होता है। तो जब उसकी कृपा बरसती है अनुभव होता है गर्मी में भी शीतलता का, अलग ही प्रभाव होता है, चेहरे के ऊपर नूर दिखने लगता है। आयु चाहे जितनी भी हो, ये नहीं कि नूर केवल युवावस्था में ही होता है, कोई भी अवस्था हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, बचपना हो, वो जो नूर झलकता है साधना का अलग ही दिखता है। तंत्र का जो होता है वो अलग ही हो जाता है। तो जो ये खेल है, जब आपको खेलना आ जाएगा, जब इसमें आप भेद समझने लगोगे दोनों मार्गों में, मुड़ के नहीं जाओगे, क्योंकि वहां तो फंसना ही फंसना है, फंसना ही फंसना है, वहां मिलना कुछ नहीं। लेकिन जो भक्ति का मार्ग है, परमात्मा का मार्ग है, साधना का मार्ग है, हमारे ऋषि महात्माओं संतों महर्षियों का मार्ग है, वो आपके रास्ते खोलने का मार्ग है, वहां पहुंचाने का मार्ग है, आपको जीव से ब्रह्म बनाने का मार्ग है। आपके अंदर जो गूंज चल रही है, जो नाम की शब्द की उस ताकत का मार्ग है, जब आप उसकी खोज करोगे, जब आप उसके नाम के ऊपर बैठोगे, आपके नजदीक भी ये तत्व नहीं आएंगे। मैं बिल्कुल कहता हूं, जो हमारे जीव हैं कुछ करके दिखाइए, हम खुले छोड़ देते हैं, बांधते नहीं, क्योंकि नाम के अंदर मुझे पता है कितनी ताकत है। जब आप लोग जपोगे आपको पता चलेगा नाम के अंदर कितनी ताकत है। कहीं भी खड़े हो आप, करोड़ों करोड़ आत्माएं भी आपके चारों तरफ घूम रही हूं, किसी की औकात नहीं, आपकी तरफ देख भी जाएंगे नजर उठा करके, जल जाएगा सब कुछ, क्योंकि अग्नि के सामने, अग्नि के अंदर कोई प्रवेश नहीं करता। सबको पता है कास्ट लकड़ी कितना भी ढेर हो, अग्नि का एक पतंगा जला करके नष्ट कर देता है। तो जो ये साइंस खोज है, जब तक आपका पिछले जन्म का कर्म नहीं टूटेगा, तब तक आपके न कष्ट दूर होंगे, न ये संकट कटेंगे, न आपका जीवन सुखमय होगा, न परमात्मा की ओर बढ़ोगे, न ध्यान लगेगा, न जप होगा, न सुमरण होगा, ना साधना होगी, ना समाधि होगी, और प्राप्ति तो दूर की बात है। तो ये सबसे आसान जो तरीका है नाम के द्वारा, जो इस जन्म में भी प्रभाव करेगा, पिछले जन्म में जो हमारे से गलतियां हुई हैं उनको भी दूर करेगा। इतनी ताकत होती है, काट देता है उन कर्मों को, हल्का कर देता है। जैसे किसी को सूली पर चढ़ाना हो, फांसी पर चढ़ाना हो, काटा लग के थोड़ा बहुत हो करके सारी घटनाएं दूर कर देता है, बखेर देता है, तोड़ देता है कर्म को, प्रभाव लगभग नष्ट कर देता है।
भोगने की अक्षमता प्रदान कर देता है। नाम के अंदर इतनी शक्ति होती है कि शरीर को इतना मजबूत कर दे, हम बुरे से बुरा कर्म भी झेल जाएं और शरीर के ऊपर कुछ प्रभाव ना हो, ये रास्ता होता है। ये ऐसे जैसे चल रहा है ऐसे कष्ट दूर नहीं होते।